बिल्कुल ऐसे आत्मा आ गई गाड़ी के अंदर. हाँ. गाड़ी की इग्निशन लॉक करो, सब कुछ बंद, स्टीयरिंग लॉक हो रहा है. हाँ. लेकिन गाड़ी बंद ही नहीं हो. यू नो द एंडेवर इज द ओनली कार जो इतनी मतलब मॉडिफिकेशन फ्रेंडली है. डीट गाड़ी है, डीट मतलब ये तो मान लिया, कीप्स ऑन रनिंग भाई, डीट है. सोचा है कि हम गैंगस्टर एंडेवर पे भी झूठे को चढ़ाएंगे टायर टू टायर. बहुत ही ज्यादा स्टेल्थ है. देखो ये गैंगस्टर एंडेवर है तो हम इसको स्टेल्थ ही रखना चाह रहे थे. कहां है सुरेंद्र? अब एक दो चीजें और भी हैं जो मैंने सोची है गाड़ी में करने के लिए एंड उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर मैं सोचा उसको बेच दूंगा. यस यू आर राइट गाइज. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो. गाइज फाइनली टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे हम अपनी गैंगस्टर एंडेवर को लेने जा रहे हैं अभी अपशिफ्ट ऑटोज पे और हमारी गाड़ी का नया रैप हो चुका है. एंड जिस भाई ने पिछले वाले वीडियो में जब हम गाड़ी देने आए थे तो हमने दिखाया भी था वैसे कि किट वगैरह उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, किट क्यों नहीं लग पाई उसमें. तो जिन जिन भाई ने हमारे रैप भाई गेस करा था कॉमेंट सेक्शन में तो लेट्स सी आज कौन कौन सही होता. और अगर आपने गेस नहीं करा था तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करो और जल्दी से जाओ कॉमेंट में बताओ भाई कौन से कलर का रैप कराया होगा. हमारी गाड़ी इतनी अमेजिंग लग रही है ना अभी. मैंने देखो वीडियो कॉल पर देखिए, फोटोज मेरे पास भी नहीं आई है, हरमन ने नहीं भेजी, पर वीडियो कॉल पर मैंने गाड़ी देखी है थोड़ी बहुत एंड वो ब्लरी ब्लरी सी दिखती है उसमें, आप लोगों को पता ही है. बट आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट एंड लेट्स सी भाई किस किस ने हमारे भाई ने हमारा रैप सही गेस किया था. एंड जल्दी से पहुंचते हैं अपशिफ्ट ऑटोज. अभी गुड़गांव गए थे हम कुछ काम से तो वो निपटा के आ रहे हैं अब यहां से. आज देखते हैं. एक और चीज है भाई की रैप होना अलग बात है, आज ये लोग हमारी गाड़ी वापस करेंगे नहीं करेंगे अभी तो ये भी नहीं पता. और गाड़ी में एक प्रॉब्लम हो गई थी भाई, इतनी फनी अभी अपशिफ्ट पहुंच के आप लोगों को बताता हूँ. A few moments later. So guys, with my bro, finally. क्या हाल चाल जी? दोनों भाई handsome लग रहे हैं यार. बिल्कुल. दाढ़ी बढ़िया इस बार हो गई है ना? बिल्कुल. क्या सीन है भाई? Where is my car? सामने खड़ी है. दिखाना मत अभी. ये यहाँ का भाई? बहुत देर पहले. So I must be busy talking. Sleeping. To you. Very tired. भाई देखो यहाँ बुला के बोला गाड़ी रेडी हो गई आप लेने आ जाओ. और डैश कैम नहीं लगा रखा था, हम डैश कैम अपग्रेड कर रहे थे इसमें. बहुत पुराना सा सड़ा हुआ वाला लगाया हुआ था, हमने सोचा 4K वाला लगा दें तो हरमन अभी वो इंस्टॉल करवा रहा है. पाजी वाई डिड यू नॉट सेंड मी अ सिंगल पिक्चर ऑफ द कार? भाई रखना था यार अपनी पूरी इतनी बड़ी टीम. कॉल पे देख चुका हूँ, थोड़ी सी देखी है ना, दूर से देखी नहीं अभी इतने पीछे. वैसे भाई हमारा आज विदित भाई भी आ रखा है, इसकी बड़ी बड़ी डीलें चल रही है. जेम्स द मनी माफियाज ओवर हियर. और गुरजोत भाई आ रखा है आज. इसको वर्कशॉप से टाइम कैसे मिल गया ये नहीं हमें समझ आ रहा. हम खुद हैरान है कि ये वहां से बाहर कैसे निकला हुआ है. तूने देख लिया एंडेवर? अब तूने भी नहीं देखी ना, इधर पीछे खड़ी है गाइस. ये रही अपनी गैंगस्टर एंडेवर अभी. और पर इतना टिंटेड है ये कि अभी पता ही नहीं चल रहा क्या कलर है क्या कलर नहीं है. तो क्या क्या हुआ है पाजी हमारी एंडेवर में, जरा कुछ बताओ, कुछ हमें यू नो डिटेल्स दो. सरप्राइज, सभी सरप्राइज है. वैसे एक चीज मैं बतानी भूल गया चलने से पहले, एक चीज बता देता हूँ भाई. हरमन ने गाड़ी में कोई छेड़खानी कर दी थी. सही बात है. ठीक है. और ऐसी प्रॉब्लम मतलब मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरी ही गाड़ियों के साथ हो सकती है जो इस गाड़ी में कांड हुआ था. अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था. गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, इंजन स्टार्ट है, ठीक है, आइडल कर रही है गाड़ी. आप चाबी से गाड़ी बंद करो, चाबी बाहर निकालो, गाड़ी तब भी स्टार्ट है. चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम समझ लेंगे चाबी का इफेक्ट होगा, चाबी मतलब खराब हो गई होगी, घिस गई होगी, इसलिए वो रीड ना कर रहा हो या कुछ. बट हमने बैटरी की तार निकाली तो भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट और मीटर वगैरह सब बंद हो गया था. क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में, कौन सी आत्मा आ गई थी? मैं बताता हूँ, इसमें ना ढेर सुबह का काम हो गया इस गाड़ी पे. कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है इस गाड़ी का, कोई ऐसा फ्यूज बॉक्स नहीं है जहां से इन्होंने लाइटों के लिए टैप ना लिया. बिल्कुल ऐसे आत्मा आ गई गाड़ी के अंदर. गाड़ी की इग्निशन लॉक करो, सब कुछ बंद, स्टीयरिंग लॉक हो रहा है लेकिन गाड़ी बंद ही नहीं हो. और शटर था उस दिन बंद, सबके हाथ में ऐसे हो गए क्योंकि वो निकाली बैटरी. अच्छा, और खड़ी भी गैराज के अंदर है और इतना मतलब डीजल गाड़ी ऊपर से डाउन पाइप लगी हुई है, पोल्यूशन पूरा धुआं भर गया, पूरा धुआं धुआं हो गया अंदर. इन्हें लगा आज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी. गगन पाजी हमारे एक्सपर्ट है, वैसे क्या हुआ था पाजी गाड़ी में? बैटरी की तार भी निकाल दी, कार केप्ट ऑन रनिंग, चाबी भी बंद कर दी, बैटरी भी ऑफ कर दी, इग्निशन कट कर दिया, सब कर दिया. जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल तो कुछ लगी नहीं ना गाड़ी में, वैसे यार वैसे कहीं पर भी लगी हुई है क्या? माशाल्लाह प्रोफेशनली लेड आउट है ना कम्प्लीटली वो भाई. सारा काम प्रोफेशनली डन है, इन्हीं के किसी लड़के ने ना एक नट ज्यादा कस दिया और वो तार कट के कहीं शॉर्ट हो गई. मैं कह रहा हूँ कितने अच्छे होंगे फोर्ड के इंजीनियर जिन्होंने ऐसी तारे बनाई हैं कि इतना सा एक्स्ट्रा कसने पे इंजन ऑटोमेटिकली कहते हैं मैं तो यही खड़ा हूँ, दफा हो जाओ सारे. ये गाड़ी का सेफ्टी मोड था कि आप बंद ही ना कर पाओ. दुनिया में देखो लोगों की गाड़ियों के साथ उल्टी प्रॉब्लम होती है, उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती. हमारी गाड़ी इतनी तो सेफ्टी रख रही है कि बंद नहीं हो रही, आपको घर तक पहुंचाएगी, स्टार्ट खड़ी रहेगी. ये तब कब आएगी ना, पीछे से कोई गोलियां बोलियां चला रहा हो, गाड़ी बंद ही नहीं होती. यार भाई गोलियां क्या बोल रहे हो, तौबा तौबा, हमारे तो ऐसे दूर दूर तक कोई नहीं है भाई. नहीं नहीं नहीं, बट गॉड फॉरबिड सब ठीक हो गया,
इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक बार गुड़सोत में भी भुगते हैं। याद है वाली प्रॉब्लम हो गई थी हमारी बैटरी टर्मिनल की। हाँ, टर्मिनल की प्रॉब्लम थी और बोनट का भी साइन नहीं जा रहा था। हाँ, बोनट का साइन नहीं जा रहा था भाई। वैसे एक चीज बताऊं मैं आपको, यू नो द एंडेवर इज द ओनली कार जो इतनी मतलब मॉडिफिकेशन फ्रेंडली है। हमने इतना काम कराया हुआ अपनी गाड़ी पे एंड वो सारा झेलती है। डीट गाड़ी है, डीट मतलब कीप्स ऑन रनिंग भाई, डीट है। मैंने अपनी फॉर्च्यूनर भी मॉड करी थी, बहुत ऑफ रोड स्पेक करी थी तो उसमें फिर भी प्रॉब्लम आ जाती थी। बट द एंडेवर भाई इट्स टू मॉड फ्रेंडली एंड ये छुटपुट ह्यूमन एरर वाली चीजें होती है, हो जाती सही। थोड़ा सा हमें खोद के निकालना पड़ता है कि दिक्कत क्या है, कौन सा फ्यूज उड़ा था। दो मिनट में निकल गया था फ्यूज, कौन सा था प्रॉब्लम? ये थी गलत फ्यूज दबा रहे थे बार बार, एक एक करके निकाले। पहले सोचा क्या करे, पर चलो फिर सबका पड़ा, फिर उसका इंजन उसका निकाला, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, फिर वो निकालते ही बंद हो गई गाड़ी। ओ भाई, की बार डायग्नोस करी बैठ के। मेरे को सुरेंद्र भाई का वीडियो कॉल आया, उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल पे दिखाया गाड़ी बंद है, मीटर बंद है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद है, इंजन स्टार्ट है। अच्छा मुझे वीडियो कॉल में का आवाज सुना हुआ, रेस दे रहे, रेस भी पकड़ रही है गाड़ी। मैं इतना हैरान। लास्ट मैंने उन्हें बताया कि आप ऑल्टरनेटर क्या आप वो निकाल दो कि कनेक्टर निकाल दो कि आप ऑल्टरनेटर चलना बंद होगा तो गाड़ी फिर भी बंद हो जाएगी, करंट जाना बंद हो जाता है। अच्छी गाड़ी है देखो, इतनी बढ़िया गाड़ी है, किसी को कभी भी स्ट्रैंडेड नहीं छोड़ेगी। ये तो है भाई, ये है कि इंजन चलता छोड़ जाएगा तुम्हारा, एसी चलता रहेगा आपका। बस इस बात का दुख है कि नई वाली एंडेवर फोर्ड नहीं लॉन्च कर रही, नहीं तो फोर्ड के पार्ट पर मतलब जितने भी हमारे जानकार 3.2 वाली एंडेवर है वो इतने खुश है इस गाड़ी से एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यूअर वन। भाई फोर्ड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फोर्ड में से कोई हायर मैनेजमेंट में से, प्लीज लॉन्च द न्यू वन। पहली गाड़ी हमारे को दो, हम भी लेंगे, फ्री में भी दो, वी आर ओपन टू स्पॉन्सरशिप आल्सो, दोनों भाई ले लेंगे ब्लैक कलर की। वो गाड़ी वर्थ है लेनी, वो गाड़ी भाई इतनी रफ एंड टफ है। हैव यू सीन हाउ वी हैव यू नो अब्यूज दिस कार ऑफ रोड? हमने कैसी कैसी ट्रेल्स करी है गाइस इस गाड़ी से, हमने कैसे कैसे ऑब्स्टिकल्स पार करे हैं इस गाड़ी ने, टच वुड कभी धोखा नहीं दिया। अब मैं और ज्यादा तारीफ कर दूंगा तो हो सकता है यहाँ से हम जब घर लेके जा रहे हो तो खराब हो जाए, तो इसलिए अब हम ज्यादा नहीं बोलता। भाई झोटा आ गया, झोटा मोरा, झोटा अपना झोटा भाई, यू नो अनएक्सपेक्टेड मिलन भाई, आज झोटाज न्यू ओनर, हेलो हमारे वकील साहब बैठे हैं, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। अभी मैं इंस्टा खोला हुआ, मैंने झोटे की रील लाइक करी, मैं कहा यार क्या बढ़िया लग रही है वर्जन 3.0 यार, वो क्या पेंट करा है दिखाओ तो सही, देखो क्या कराओ। सो गाइस झोटा, सो मेनी मेमोरीज, इतना प्यारा लग रहा है अपना झोटा, रियली नाइस भाई, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा ये पेंट करा है सारा? हां जी, रूफ ओके, लुकिंग नाइस। इंस्पेक्शन के लिए लाया था मैं काफी दिन, सनग्लासेस ऐसे उतार के देखने पड़ेंगे तब दिख रहा है कलर, नहीं तो ऐसे तो सब काला काला ही लग रहा है इसमें। बहुत प्यारी लग रही है भाई, बढ़िया। जब भी इस गाड़ी को देखता हूँ मैं, मेरा दिल खुश हो जाता है भाई, इतनी मेमोरीज है ना इस गाड़ी के साथ। लवली भाई, लवली, आ रहा है मजा चलाने में? बहुत मजा, चल बढ़िया। और उससे भी ज्यादा मजा आता है रिएक्शंस देखने। अभी भी आ रहे हैं लोग, अभी भी पहचान रहे हैं, घर तक आते हैं छोड़ने। अच्छा जी, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी फोन में कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना भाई? टीम तक यार देखो भाई, अपना कोई परेशानी नहीं हो रही। अच्छा है ना सब? ओके, यार हमारे भाई बहुत तमीज वाले हैं सारे, 100% हमारी टीम तक यार जो है बहुत ओके रिपोर्ट है। नहीं नहीं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, द रिएक्शन व्हिच आई गेट फ्रॉम द पीपल, आउट ऑफ 10 आई विल से 8% आर फ्रॉम टीम तक यार ओनली। अच्छा, 2 आर जस्ट रैंडम, दैट व्हाट इज दिस ओन, क्या कर रखा है, क्या मॉडिफाई कर रखी है। चलो क्या बात है भाई, नहीं सब चलते भाई, एंडेवर भी देख लेते हैं, नया रैप देख लेते हैं। हमने बता दी स्टोरी, जो आत्मा आ गई थी एंडेवर में, हो गया ठीक, फाइनल है ना? अरे ओके, अब बिल्कुल। चलो वैसे एक फ्यूज उड़ा हुआ था ना, और कोई मेजर वो बताओ, एक फ्यूज उड़ने से इंजन स्टार्ट रह गया भाई, हम खुद हैरान है यार। अक्षय भैया को बताई हमने दिक्कत, अक्षय भैया कह रहे हैं मेरा दादा तो नहीं आ गया वापस, कहीं उसकी हम मैसेज ठीक नहीं करी इसलिए आ गया। भाई एक क्रेजी आइडिया आया हमें, अब देखते हैं हमारे वकील साहब मानते नहीं मानते, कि हमने सोचा है कि हम गैंगस्टर एंडेवर पे अभी झोटे को चढ़ाएंगे टायर टू टायर, ठीक है? थोड़ी थोड़ी हम वकील साहब की स्माइल जाते हुए, देखो स्माइल धीरे धीरे वो छोटी हो रही है, कह रहा व्यू नहीं आया उस पे, देखना देखो कैसे अपने दोस्तों को मिल्क करता है ये लौंडा, कैसे इंप्लॉइज भी सीख गए हैं कैसे करना है। प्यार को क्या बोला, प्यार को क्या बोला, मिल्किंग मिल्किंग। नहीं नहीं भाई, हक है मेरे भाइयों का, हक है यार, ऐसे ऐसे फेम का क्या फायदा जो मेरे भाइयों के काम ही ना है। एब्सोल्युटली, क्यों अब इसी बात पे फिर चढ़ाए थार, डन है वो दिलदार। देख लो भाई ये होती है यारी, विदित आर यू रेडी? कहाँ छुप गया तू, ऑलवेज ऑन ब्रदर, चढ़ा लेगा भाई तू चढ़ाएगा? मैं तो चढ़ा दूंगा, एक्सपर्ट ऑफ रोडर तू ही है। चलो डन, दोनों गाड़ी अभी एंडेवर रिवील करते हैं, फिर चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर बड़ी सी फोटो लेंगे बाहर। आई'd लाइक टू ऐड समथिंग, अगर इन दोनों में से कुछ भी होता है मैं 10-10 लाख रुपए दोनों खरीदने को तैयार हूँ। भाई दोनों आप ही की है, फ्री में हम दोनों इनोवा में चले गए।
उसको छोड़ते हुए घर निकल जाऊंगा। The next day. उत्सव व्लॉग में आ जा, देखना व्लॉग में नहीं आ रहा। So guys, it's day 2 now and अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एकदम से व्लॉग अब्रप्टली मतलब नेक्स्ट डे कैसे लिखा हुआ आ गया। तो कल हमें जाना पड़ा इमरजेंसी में एंड गाड़ी में भी कुछ कमियां थी, गाड़ी कंप्लीट नहीं हो रखी थी, तो इसलिए अब हम आए हैं दोबारा से उसको लेने अपने भाई के साथ। तो कल हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा था, तो आज हम आ गए अपनी गैंगस्टर एंडेवर लेने के लिए। और मेरी स्माइल आप लोगों को बता रही होगी और उत्सव का भी रिएक्शन एक बार देख लो कैसी लग रही है गाड़ी। सीरियसली भाई गजब निकल के आई है। एंड एक बार उत्सव कैमरा घुमाऊंगा फिर हम सिनेमैटिक्स लगा देंगे, ठीक है गाइस, कर दूं रिवील। चलो ये लो 3 2 1। कपड़ा साथ फ्री दिया है शिफ्ट ऑटोज ने हमारे लिए, थैंक यू सो मच। गाड़ी से मैच करता हो। सो गाइस दिस इज आवर न्यू कलर एंड अभी इस लाइटिंग में हो सकता है आप लोगों को बहुत सिमिलर लग रहा हो, बट दिस इज सैटिन मेटालिक ग्रे एंड ये बहुत ही बढ़िया निकल गया है, बहुत ही ज्यादा स्टेल्थ है। देखो ये गैंगस्टर एंडेवर है तो हम इसको स्टेल्थ ही रखना चाह रहे थे, तो हमने पहले सोचा हम खाकी करें इसको मिलिट्री ग्रीन करें, पर हमने वो सारे आइडियाज ड्रॉप करे क्योंकि हमारी टीम का क्या ने बोला भैया देखो ब्लैक ही रखना चाहिए। तो मैं कहा चलो कुछ ऐसा कलर निकाल के लाते हैं कि ये ब्लैक भी रहे और ब्लैक ना भी रहे, चेंज भी हो जाए। सो दिस इज व्हाट वी वेंट फॉर। तो दिस इज सैटिन मेटालिक ग्रे या फिर सैटिन ग्रे आप लोग इसको कह सकते हो एंड ये बहुत सिमिलर है हमारे पुराने वाले रैप से, बट जैसे ये धूप में निकलेगी ना आपको डिफरेंस पता चलेगा एंड ये इतनी सुंदर लग रही है ना, आप एक बार कॉम्बो देखो सारा, जो ये ग्रे है उसके साथ जो ये ब्लैक व्हील्स ब्लैक टेल लाइट्स एंड ऑब्वियसली अभी टिंट नहीं है गाड़ी पे वो जल्दी आ जाएगा। मेरे को पता है टीम रखे बहुत टाइम से बोल रही है मैं भूल जा रहा हूँ, मैं करा लूंगा भाई इसको टिंट, बट एक बार यहाँ से लुक देखो, देखो ब्लैक व्हील्स ब्लैक बंपर उसके साथ ये ग्रे रैप इतना प्यारा लग रहा है ना, ये देखो पीछे से ब्लैक एक्सेंट्स है गाड़ी पे, जो ये एंडेवर लिखा हुआ है सारा ब्लैक है, स्पॉइलर ब्लैक छोड़ा हमने, बम्पर ब्लैक है, बम्पर तो इनफैक्ट लाइनिंग्स हो रखा है एंड टेल लाइट्स वगैरह भी ब्लैक है, कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से देखो, पीछे की विंडो भी टिंट है तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसी लग रही है, एक बार यहाँ से ऐसे लुक देखो बहुत ही क्रेजी निकल के आई है। सीरियसली गाइस मैं इसको स्टेल्थ ही रखना चाहता था और मैं कुछ ऐसी चीज चाहता था कि ऐसा करें इसमें कि ये मतलब पहले जैसी जो गैंगस्टर एंडेवर इसका नाम है वो रहे भी और उसके अलावा कुछ चेंज भी हो जाए, तो इसलिए वी वेंट विद दिस। और मेरे हिसाब से तो बहुत ही प्यारी टर्न आउट हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है ये सामने से कुछ ऐसा, यहाँ पर आपको थोड़ा कलर में डिफरेंस दिख रहा होगा क्योंकि जो हमारा वाला पोर्शन है ये सारा लाइनिंग्स हो रखा है, सारा लाइनिंग्स कोटेड है, बट ये लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट है ना कि अभी ये शाइन इतनी कर रही है कि ब्लैक ही लग रही है, बट दिस इज ग्रे, बाकी धूप में निकलेगी तो आपको पता चलेगा बहुत ही प्यारी निकल के आई है, बहुत ही मजेदार लग रही है, बहुत पसंद आई गाइस मेरे को सीरियसली, बट अनफॉर्चुनेटली गाइस वो बॉडी किट नहीं लग पाई हमारी गाड़ी में। अच्छा इस रैप पे एक ड्रॉबैक है भाई हमारी गाड़ी पे, ऑफ रोडिंग की जो छोटे मोटे ट्रॉफीज है ये देखो ये वाली सारी ऑफ रोडिंग की चोटें हैं भाई इस गाड़ी पे, तो वो थोड़ी बहुत दिख रही हैं, बस ये ड्रॉबैक है, बट इतना तो सह लेंगे भाई क्योंकि इतनी प्यारी लुक निकल के आई है एंड जगह जगह है छोटी मोटी ट्रॉफी, जैसे यहाँ देखो ये काजा में इसके चोट लगी थी जो पत्थर गिरा था। इट्स एन ओल्ड कार ना हो यार, 2017 मॉडल है ये, अब तो इतने साल हो गए इस गाड़ी को एंड कितना इसने हमारा साथ दिया, इतनी सारी रोड ट्रिप्स करी है हमारे साथ, इतनी ऑफ रोडिंग करी है, इतनी ट्रेल्स करी है इसने हमारे साथ एंड ये अभी तक हमारे साथ है, पूरे जोश के साथ हमारे साथ है, बहुत प्यारी लग रही है भाई। जो हमारे देखो जो ऑफ रोड सस्पेंशन है हमारा, कॉइल ओवर्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, अपर कंट्रोल आर्म्स कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है। जो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन है वो कितनी प्यारी लग रही है, बम्पर का जो माउंट है जो टो पॉइंट है वो कितना प्यारा लग रहा है, रेड ग्रे और ब्लैक का परफेक्ट कॉम्बो निकल गया है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई। अब आई जस्ट कांट वेट, इसको जल्दी से लेके चलते हैं बाहर एंड उसके अलावा मेन चीज तो आपको दिखानी भूल गया इंटीरियर, सो ये तो अभी जब निकलेंगे तब दिखाएंगे। स्टेयरिंग हमारा लग चुका है, ये भी सारी हमारी टीम टकर बोल रही थी भैया जल्दी से लगाओ, तो फाइनली हमने ये भी लगा लिया है। उसके अलावा एक चीज जिसके लिए आप सारे भाई बोल रहे हो कि भैया ये बेज इंटीरियर अब पुराना हो गया, आउट विद दिस एंड टाइम फॉर समथिंग न्यू, तो यही हम करने वाले गाइस बहुत जल्दी, यहाँ से गाड़ी सीधा ये इंटीरियर होने के लिए जाएगी एंड बहुत जल्दी कुछ प्यारा सा मजेदार सा कुछ स्पोर्टी सा बट लग्जूरियस सा आने वाला है इसके लिए इंटीरियर, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा एंड अभी तक कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई गाड़ी लग कैसी रही है, मेरे हिसाब से तो मेरे को बहुत पसंद आई है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लग रही है, बाकी धूप में जब इसके रोलिंग शॉट्स देखोगे तब आप लोगों को और बेटर एक लुक समझ आएगी। थोड़े बहुत भाई सजेशंस इसके लिए भी दे देना क्योंकि मैं इसमें 2-3 कलर्स में अभी कंफ्यूज्ड हूं, बट एक्सेंट्स मेरे को समझ आ गए हैं कौन से करने एंड थोड़े से यू नो कार्बन फाइबर की लोडिंग करनी है गाड़ी में, सो वो सब भी बहुत जल्दी आएगा, बट टाइम टू टेक द बीस्ट आउट नाउ, इसको लेके चलते हैं हमारी जर्नीमन को एंड आई जस्ट कांट वेट। एक बार इंटीरियर में देने से पहले मेरे हिसाब से एक बार इस पे ऑफ रोड एक ट्रेल तो करनी बनती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंटीरियर करा के फिर इसको ऑफ रोड लेके जाएं इसकी टेस्टिंग करें या फिर पहले टेस्टिंग करें फिर इंटीरियर वगैरह बाद में ले लें, जैसा अपनी टीम तैयार करेगी वैसा करेंगे हम लोग। एक गूगली कर दिया देखना, यहाँ पर ग्रे रैप है, ये लाइनिंग से ब्लैक है और बीच में देखना ये रैप के ऊपर टचअप कर दिया काले पेंट का,
तो इसके लिए हम गुनहगार को ढूंढेंगे अभी। सुरेंद्र भाई कहाँ है सुरेंद्र? इस साइड भी है क्या यार? इस साइड ठीक है भाई, ये रहा देखो गाइस कितना क्लीन है इस साइड। यार गुनहगार को ढूंढते हैं, रुको आओ। कहाँ है सुरेंद्र? इसमें बचाने के लिए देखो कितने भी लगा लो भाई। इधर आओ जरा, एक कारनामा जो करा है ना, ये बढ़िया एसी में बैठे हुए हैं, हमारे को गर्मी में आप फंसाया हुआ है। इधर आओ एक चीज दिखाता हूँ, ये तुम्हारी नजर से कैसे निकल गया, मैं ये हैरान हो रहा हूँ। व्हाट इज दिस? गलत बात है ये सुरेंद्र भाई, घर की गाड़ियों के साथ हो रहा है ऐसे। अरे ऐसी मजाक कर रहा हूँ, छुटपुट किसी लड़के ने ना हल्का सा काला पेंट लगा दिया टचअप में, बट हो जाएगा बढ़िया। एक भाई ये देखो रैप निकल रहा है यहाँ से, जो ऊपर पट्टी लगाई है वो मैच नहीं हो रही। देखो गाइस कभी भी गाड़ी रैप होती है छुटपुट कहीं चीजें रह जाती हैं, थोड़ा सा इसको टक इन करना पड़ेगा। गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, थैंक गॉड हमारी गैंगस्टर एंडेवर अब वापस आ चुकी है। इस बार तो ज्यादा देर के लिए नहीं गई, नहीं तो ये बहुत टाइम लगा देती है कई बार किसी वर्कशॉप में। तो आई एम रियली हैप्पी कि भाई आ चुकी है, चलाते हुए इतना मजा आ रहा है नए स्टीयरिंग व्हील के साथ ना, सीरियसली बता रहा हूँ एक अलग ही फील आ रही है। एक बार देखना, बिल्कुल ही अलग ही फील आ रही है। बस अब ये जाम वाम हटे ना सारा तो हम चले। एक तो नए रैप को इतनी सारी लुक्स मिल रही है भाई, देखना वो छोटा बच्चा कैसे देख रहे हैं वहाँ पे। बहुत सारे हमारी टीम डकार के भी भाई मिले, उनको नया रैप इतना पसंद आया, इतने सही रिएक्शन मिले उनके, बहुत बढ़िया। अब ऑब्वियसली उस टाइम मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, नहीं तो रिकॉर्ड करता, बट भाई ये जाम हटे तो हम मजा ले पाए ना नए स्टेयरिंग का, नए रैप का और जल्द ही नए इंटीरियर का। आई एम रियली एक्साइटेड एंड अ बिट कंफ्यूज्ड आल्सो कि भाई क्या इंटीरियर कराना चाहिए। अभी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं माइंड में। अब एक दो चीजें और भी हैं जो मैंने सोची है गाड़ी में करने के लिए, एंड उसके बाद ये कम्प्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ उसको बेच दूंगा। यस यू आर राइट गाइज, आई माइट सेल द गैंगस्टर एंडेवर, क्योंकि मैंने एक और गाड़ी ली है अभी, अभी जल्दी रिवील हो जाएगी वो, अभी तो नहीं बताऊंगा आपको कौन सी गाड़ी ली है। एंड बहुत सारी गाड़ियां हो गई हैं, आप देखो एक बंदे के लिए मैनेज करनी मुश्किल हो जाती है, टाइम मांगती है गाड़ी। ऐसे की भी बात है, देखो हर दूसरे महीने एक गाड़ी की इंश्योरेंस ड्यू, लाखों रुपए में इंश्योरेंस होती है, कभी किसी गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू, कभी किसी गाड़ी में कुछ ड्यू, कभी कुछ ड्यू। और उसके अलावा चलो ठीक है, पैसा तो बंदा मेहनत हम करते हैं किसी ने अपनी गाड़ियों के शौक के लिए करते हैं, तो पैसे तो फिर भी मैनेज हो जाते हैं, बट भाई टाइम का बहुत इशू रहता है। पार्किंग मेन चीज तो पार्किंग है कि लिटरली जगह ही नहीं है अब मेरे आसपास में, मतलब अड़ोस पड़ोस में भी लोग पागल हो गए कि और कितनी गाड़ियां इकट्ठी करेगा। तो ये एक और आ गई तो मुझे पता है कि बिदक जाएंगे लोग, तो एक गाड़ी को तो जाना पड़ेगा। तो अब कौन सी जाएगी, अब मेरे हिसाब से तो इसी का ही नंबर आएगा। एंड बिल्कुल अगर मतलब ये श्योर नहीं है, देखो अभी मैं एक थॉट है ये, सिर्फ अभी 100% श्योर नहीं है, अभी सिर्फ मेरे माइंड में एक चीज आई है ये, तो देखते हैं कि क्या बनता है। क्या पता हमें नई भी निकालनी पड़े, क्या पता पार्किंग वगैरह सब शॉर्ट हो जाए, सब कुछ शॉर्ट हो जाए, तो मैं इसको रख ही लूंगा, नहीं निकालूंगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, शायद निकाल दें शायद ना निकाल दें। अगर देनी भी हुई तो ऑब्वियसली भाई अपनी टीम टकियार को ही सबसे पहला चांस देंगे, एंड दोनों चांस देंगे कि भाई स्टॉक करके दे दें या फिर ऐसे मॉडिफाइड ही दे दें, तो ये दोनों चीजें भी रहेंगी। बट फिलहाल चलो अभी तो बेचने के बारे में क्यों सोचना, अभी तो गाड़ी कंप्लीट भी नहीं हुई। और प्रोजेक्ट कार्स तो मेरा डायलॉग है ही भाई कि प्रोजेक्ट कार इज नेवर कंप्लीट, तो ये भी अभी धीरे धीरे चल रहा है इसमें और काम। एक बार इंटीरियर वगैरह सारा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद मैं मानूंगा ये गाड़ी कंप्लीट है। एंड सस्पेंशन में भी मैं कुछ और इसमें अभी चेंजेस करना चाहता हूँ, सस्पेंशन में मैं एक दो और अपग्रेड्स करना चाहता हूँ इसमें अभी, तो जो वाले अपग्रेड्स हो जाएंगे उसके बाद ये और खतरनाक हो जाएगी, और तगड़ी, मतलब ये ऐसी हो जाएगी आपकी 150 की स्पीड पे ना, आप लिटरली इसको कितने भी गड्ढों में से कुदा लो, सैंड ड्यून्स में से
बाइक उड़ा लो। जैसे आप लोग वो वीडियोस नहीं देखते वो जो अरब वगैरह कंट्रीज में होते हैं कि लैंड क्रूजर भाग रही है और बस नीचे से सारी वो टीले निकलते जा रहे हैं और गाड़ी सीधी है, ये वैसी हो जाएगी। तो वो सब करने के बाद देंगे भाई अगर कभी दी भी है। वैसे तो मेरी जान है, मेरी जान बसती है इस गाड़ी में। बहुत मुश्किल ही है कि मैं इससे मतलब जुदा हूंगा, बट कोई बात नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट सब कुछ डिपेंड करता है, अगर हमारी पार्किंग शॉर्ट हो गई तो सारी चीज चिल हो जाएगी, फिर कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट अभी आप लोग उदास मत हो, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में क्या आने वाला है, भैया मत बेचो ऐसी जाने वाली है। बट क्या करें भाई, इट इज व्हाट इट इज, यही लाइफ है, क्या कर सकते हैं। बट अभी आप लोग एंजॉय करो ना, जब तक है तब तक तो एंजॉय करो। अभी तो इसके साथ कितने एक्सपेडिशंस बाकी हैं, कितनी रोड ट्रिप्स बाकी हैं, इंटीरियर वगैरह होना है, कितनी मॉडिफिकेशंस बाकी हैं, कितने हमने ऑफ रोड एडवेंचर्स करने हैं अभी इस पे, तो उन सब के लिए लुक फॉरवर्ड करो, अभी बेचने पूछने का मत सोचो आप लोग। तो अभी हमारे बड़े प्यारे भाई, सारी टीम तक यार इसमें आई थी, भाई को बड़ी इंस्पिरेशन मिली है, कह रहे भैया बहुत अच्छी लगी, रुको व्लॉग में लेते हैं भाइयों को। मैं कहा तुमने बना ली, फिर मैं भी व्लॉग ऑन कर लेता हूँ ना भाइयों के लिए। चलो गाड़ी पास है भाई, नया रैप पास, थैंक यू सो मच डार्लिंग। चलो ध्यान रखो भाइयों, ओके भाई। आप लोगों का ये प्यार जो मिलता है ना रोड पे, इतना अच्छा लगता है, कितने खुश है हमारे सारे भाई। एंड यही फेलो हम सारे कार इंथ्यूजिस्ट हैं, यही हमें मजा आता है। एंड इसीलिए हम लोग वीडियोस वगैरह जो भी मैं आपके लिए बनाता हूँ सिर्फ इसी रीजन से बनाता हूँ कि आप सबको इतना शौक मिले, आप सबको इंस्पिरेशन मिले एंड गाइडेंस मिले कहाँ से क्या चीज करानी है। ऐसे ही आप लोगों के बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस मिले अपने को रोड पे, तो थैंक यू सो मच भाई। ऐसे मिलते रहा करो रोड पे, प्यार बांटते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है। ये लो भाई नाइट लुक देख लो हमारे बीस्ट की। यार वैसे सही बात बताऊंगा तो टिंट के बिना ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, एक बार इसकी विंडोज भी टिंट कराएंगे ना तब ग्रेस निकल के आएगी। बट मेरे को पर्सनली बताऊं, वैसे मैं अब कंफ्यूज्ड हूं, मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये ग्रे हटा के ना मैं वापस पहले वाला सैटिन ब्लैक कर लेना चाहिए। कौन कौन अग्री करता है मेरे को पता, बहुत सारे मेरे भाई अग्री करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड कईयों ने तो अब तक कमेंट भी कर दिया होगा भैया पहले वाला ही कलर कर लो, तो मेरे को अब सीरियसली कंफ्यूजन लग रहा है कि यार क्या हम उसी पे रिवर्ट करते हैं, वापस सैटिन ब्लैक करते हैं। सैटिन ग्रे अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं, कुछ डिफरेंट है, बट पता नहीं अंदर से मन कर रहा है कि इसको चेंज कर दें। देखते हैं एक बार भाइयों का भी रिव्यू ले लेते हैं। उसके अलावा भाई हाइप्ड आ चुके हम और कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मेरे को, बहुत काफी टाइम बाद आया हूं मैं, ट्रिप पे गया हुआ था। क्या बात है भाई, पैसे खर्च दिए खूब। ओह माय गॉड, पार्टीशन क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, रियली नाइस। जस्ट टू बीट द हीट। यस, वो नया मेन्यू क्या हमारा भाई, नया मेन्यू आ चुका है। ओह माय गॉड भाई, पैसे खर्च दिए, समर स्पेशल्स देख लो। ओह नाइस यार, बढ़िया लग रहे हैं, और भी नया नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। अच्छा सही है भाई, किसकी गीटी काटनी है भाई बता, ये ले पांच लिया है भाई, भाई। भगा दी तेरी, किसकी गलत, अरे कट गया तेरा कोई ना, ये ले खोल दी इसके लिए, ले पांच पे अगली भाई। ओए एक मिनट गेम छोड़ना, आना नया रैप का कलर तो देख, ये देखो इन्हें चेंज ही नहीं समझ आ रहा, रैप चेंज हो गया है देख नहीं, वही तो है भाई, भाई इतने टाइम और इतने पैसे लगाने के बाद तू कह रहा वही तो है ग्रे। अच्छा कूलर वाला ग्रे ही है ना, मतलब तू इतने बड़े मतलब राक्षस को कूलर से कंपेयर कर रहा है, कलर तो ग्रे ही है तो। अरे भाई साहब कहाँ व्लॉग में आ गए आप, हाई कर दो कैमरे को देख के श्रेय जोन को पसंद आ गया भाई, कुछ ऐसा लग रहा है, वन पे दिखा देता हूँ। तो मेरे को पता नहीं क्यों यार लग रहा है कि वापस सैटर्न ब्लैक कर दूँ, अच्छा तो लग रहा है। देखो पता क्या है, हाँ कुछ हाँ वही है, बहुत टाइम से देख रहे थे, बट इसमें एक्सेंट्स देखना कितने प्यारे लग रहे हैं ग्रे के साथ। साइड मिरर्स जो ग्लॉस ब्लैक है, रूफ रेल्स ग्लॉस ब्लैक है, ऊपर है, इधर देखो पीछे ये टेल लाइट्स भी ग्लॉस ब्लैक हैं, वो अच्छी लग रही है। अलॉयज भी ग्लॉस ब्लैक है और विद सिल्वर एक्सेंट्स है। हाँ ये है कि पहले सैटिन ब्लैक में मिक्स हो जाता था, अब इसमें ग्रे में थोड़ा ये पता चल रहा है। एक और मेरे को क्रेजी थॉट आया कि पूरी गाड़ी लाइनेक्स कर दे, बट फिर ओरिजिनल पेंट की मम्मी सिस्टर हो जाएगी, इसलिए नहीं करना। अभी मैंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला है, देखते हैं अगर वो चल जाता है हमारा। वो वाला पार्ट पीछे वाला वो लग ही नहीं पाया यार हमारा ऑफ रोड बम्पर के चक्कर में, अगर ऑफ रोड बम्पर नहीं होता तो लग जाता, पूरा नीचे तक होता ना, उसमें वो कटिंग कर देते तो इतना महंगा पार्ट था यार, वही 50,000 रुपए का था पीछे का, अगर वो काट देते कोई नहीं पाती तो बेकार हो जाता वो। कोई बात नहीं भाई, अपने को तो ऐसे ही बहुत बढ़िया लग रही है, पास है श्रेजोन को भी कलर पसंद आ गए, बाकी देखेंगे थोड़े टाइम में रखते हैं, जैसा कमेंट सेक्शन में अपने भाई बोलेंगे वैसा कर देंगे, रिवर्ट कर देंगे ब्लैक पे या फिर यही रखेंगे। तेरे कैसी लगी भाई, पास है, है? हमारा नया हैंडसम लौंडा आ गया इधर कैफे पे, है लड़कियां मरती हैं भाई के लिए, आती है कह रहे सिर्फ गुरदीप के हाथ की कॉफी पीनी है बस, और किसी के हाथ की नहीं पीनी है, पास है गाड़ी का तुम। अरे सर एकदम एक नंबर। चलो एक और भाई ने हमारे पास कर दिए, ओके रिपोर्ट है फिर।